नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंथली अपडेट्स। जितने भी आप भी जिस भी स्टेट में जितनी भी वैकेंसी भरी जा रही, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपको पोस्ट नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर, लास्ट डेट कब है वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप सर्च खुद कर सकते हैं उसको। तो आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि वैकेंसी आपके स्टेट में भरी जा रही है। तो जो भी वैकेंसी है उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता देंगे। लास्ट तक आप देखिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अपने स्टेट के बारे में चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से हम दे देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1 देखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी पोस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है। पोस्ट नेम है सीनियर क्लर्क के, MTS स्टेनोग्राफर की और अदर जो वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 10, ये पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। क्वालिफिकेशन 8th, 10th प्लस टू पास आप हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 100 नहीं किए गए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद NPCIL में ये वैकेंसी भरी जाएगी आपकी। और नंबर ऑफ वैकेंसी 68, ये ट्रेनिंग टाइप आपके इसमें होगी, जो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके तहत आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, गूगल पर आप सर्च करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 21/6/2019 को ये जारी की गई और लास्ट डेट है इसकी 30/7/2019 को, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगी। और ये जो वैकेंसी आपकी संगीत नाटक अकेडमी में आज ये जारी की गई और लास्ट डेट है इसकी 21/7/2019 को, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक महीने का आपके पास टाइम है। उसके बाद NBRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट की वैकेंसी भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है और BTech, MSc, BMTech, PhD आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी वो 31/7/2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन का अगर आपको लिंक चाहिए, कमेंट आप करेगा तो हम आपको कमेंट में आपका जो लिंक है जिस पे पोस्ट का वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद AAICLAS में ये वैकेंसी भरी जाएंगी। सिक्योरिटी स्कैनर की वैकेंसी भरी जाएंगी और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 272 पोस्टें भरी जाएंगी। इसमें 272 पोस्टें हैं ये। और इसके लिए एनी ग्रेजुएट आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू हो गया आपके इसके लिए 28/30/6/5/7, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इंटरव्यू होगी 28 जून से आपके इस प्रकार से इंटरव्यू चलेगी। वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद SCIMFR की नोटिफिकेशन है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेबल्स 1, 2 और 3 की पोस्टें भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। MSc, BE, BTech, ME, MTech, MSc आपने की है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/2019 को आपका वॉक इन इंटरव्यू द्वारा इसका चयन होगा। उसके बाद एंड्रियोल एंड कंपनी लिमिटेड की नोटिफिकेशन आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी स्क्रीन पर आ रही है 6 और नेम ऑफ द पोस्ट है सुपरवाइजर की पोस्टें भरी जाएंगी। डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपके पास है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद IIT रुड़की की ये नोटिफिकेशन है, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलिस्ट एंड वोकेशनल एजुकेटर की नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। डिप्लोमा, डिग्री, BFA या MFA आपने किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसके 30/6/2019 को। उसके बाद BECIL में ये नोटिफिकेशन आई है और इसके बारे में हालांकि आपको जानकारी हम दे चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, डाटा एनालिटिक्स एंड अदर वैकेंसीज में भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी भरी जाएंगी 15 और इसके लिए आप होने चाहिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और PG आपने अगर की हुई है पोस्ट ग्रेजुएट तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 5/5/2019 को। उसके बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी भरी जाएंगी। इसी में नंबर ऑफ वैकेंसी 10 और 10th क्लास आप पास होने चाहिए। 30/6/2019 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 3 है, मुंबई ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट की वैकेंसी है, ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस 11 पोस्ट इसमें भरी जाएंगे। नेम ऑफ द पोस्ट है ये और डिग्री इसके लिए चाहिए आपके डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने की है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12/7/2019 की तक। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वैकेंसी भरी जाएंगी और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 30 ये भरी जाएंगे। लास्ट डेट है इसकी 12/7/2019 को और 10th पास है, प्लस टू पास है तो आप इसके लिए अप्लाई
जरूर करें। एनआईआरटी की वैकेंसी भरी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। साइंटिस्ट सी प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की और सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी भरी जाएंगी। हाई स्कूल प्लस टू पास है आप और पीजी डिग्री डिप्लोमा आपने किया या पीएचडी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज से 7 दिन के बाद आपके ये इंटरव्यू होगा, 28/6/2019 को, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद आईआईटी डीडीएम ये वैकेंसी भरी जाएंगी कांचीपुरम में और रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार टेक्नीशियन ऑफिसर जेई एंड अदर 34 वैकेंसीज में भरी जाएगी। डिप्लोमा आईटीआई डिग्री आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 जुलाई 2019 लास्ट डेट है। उसके बाद CDSCO की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 527 और बेंच केमिस्ट DEO OA एंड अदर जो वैकेंसी 527 पद इसमें भरे जाएंगे। हाई स्कूल आईटीआई पास अगर आप हो और डिग्री आपके पास तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अभी 5 दिन का टाइम है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। और इसके साथ GM की वैकेंसी भरी जाएगी MMTC लिमिटेड में, GM DGM चीफ मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की वैकेंसी भरी जाएंगी 37 प्लस टू पास है, डिग्री है, पीजी डिग्री आपने की हुई है तो फिर आपके आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। लास्ट डेट 10 जुलाई 2019 को। उसके बाद HEC लिमिटेड में वैकेंसी भरी जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। DGM मैनेजर सीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी होगी और डिग्री इंजीनियरिंग आपने की हुई तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 23 जुलाई 2019 तक। उसके बाद SCTMSIT की नोटिफिकेशन, नंबर वैकेंसी 8 भरी जाएंगी टेक्नीशियन असिस्टेंट की, डिग्री आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। 28/6/2019 को आपको इंटरव्यू होगा। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की ये नोटिफिकेशन, नंबर वैकेंसी 10 है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर टू वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 ये भरी जाएंगे और इसके लिए आप ग्रेजुएट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 15 जुलाई 2019 इसकी लास्ट डेट है। CMTI की नोटिफिकेशन, टेक्निकल एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट फेलो जूनियर रिसर्च फेलो, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। इस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप गूगल पर जिस भी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। उस प्रकार से ये भरी जाएंगी, आपके एम्स में वैकेंसी भरी जाएंगी है और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है। ADC टेक्नीशियन 10 पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। प्लस टू पास आप इसके लिए होने चाहिए। उसके बाद JRI एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की वैकेंसी भरी जाएंगी 10th प्लस टू पास, लास्ट डेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है 24/6/2019। उसके बाद एम्स पटना की नोटिफिकेशन, इसके लिए स्टोर कीपर कॉम क्लर्क की 85 वैकेंसी में भरी जाएगी। एनी डिग्री आपके पास है आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तम्बाकू बोर्ड की वैकेंसी भरी जाएंगी, इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। 15 जुलाई 2019 लास्ट डेट है। इस प्रकार इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे आगे कि स्टेट वाइज किस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी, परंतु इससे पहले आप इनको देख लीजिए किस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी। एम्स पटना में भरी जाएंगी 96 वैकेंसी, उसके बाद BECIL में 90 वैकेंसी भरी जाएंगी और इसकी लास्ट डेट जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो जो भी जानकारी चाहिए आपको इस प्रकार से आप जैसे एम्स पटना है गूगल पर लिखिएगा एम्स पटना, उसके बाद स्पेस देकर आप पोस्ट नेम भरेगा, उसके बाद आपको पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं, या आप कमेंट करिएगा किसी भी पोस्ट का, हम आपको बता देंगे अपने स्टेट का नाम जरूर लिख के। इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। उसके बाद सेल्स की IIT रुड़की की है, खड़गपुर की भरी जाएंगी और अजमेर है ऑल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी, एयर इंडिया लिमिटेड की 132 पद ये भरे जाएंगे। और उसके बाद ECIL की है, ट्रेड्समैन की सी ग्रुप का है, इसके लिए 50 पद इसमें भरे जाएंगे। 10th पास इसके लिए होने चाहिए, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो ये पद अभी भरे जा रहे हैं, ठीक है। भारत के आप जिस भी स्टेट से आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्टेट वाइज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी, वेबसाइट का हम आपको लिंक भी दे देंगे, उस पर भी ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वैकेंसी भरी जा रही है, अभी पिछले काल ही नोटिफिकेशन जारी की गई थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी भरी जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 31 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जॉब 2019 जून जुलाई की ये नोटिफिकेशन है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ में और पूरी जानकारी आपको
आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। 16 जुलाई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आंध्र यूनिवर्सिटी में वैकेंसी भरी जाएंगी पार्क इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट इंजीनियर और अदर जो वैकेंसी 46 भरी जाएगी 146, 146 पद है। 7वीं पास 10वीं पास डिप्लोमा ITI डिग्री आपके पास है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22/6/2019 कल इसकी लास्ट तारीख होगी। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद वैकेंसी भरी जाएंगी आपकी स्क्रीन पर, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेड से डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है। कौन सी पोस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है और इसके लिए जो सैलरी चाहिए, सॉरी लास्ट डेट है वो आपकी 25 जून 2019, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट असम के, तो असम के बारे में हम आपको बता देते हैं। MHRB असम की वैकेंसी भरी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी 360 है। मेडिकल की पोस्टें हो गई और PG डिग्री आपके पास है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो आपकी ये डिग्री होनी चाहिए और MPhil कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 4 जुलाई 2019 को। बोर्ड यूनिवर्सिटी की वैकेंसी भरी जाएंगी, रजिस्ट्रार डायरेक्टर की और इसके बाद एकेडमिक रजिस्ट्रार की एंड अदर जो वैकेंसी 9 भरी जाएंगी। इसके लिए आप MD MBBS आपने या PG आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 12 जुलाई 2019 तक। उसके बाद अकाउंटेंट PAT 2 PD कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर सपोर्ट स्टाफ एंड ड्राइवर की 25 पद भरे जाएंगे। 8वीं 10वीं पास होने चाहिए। 22/6/2019 लास्ट डेट है। MO and HO की वैकेंसी भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 501 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। MBBS की MHRB असम की ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, असम पुलिस की वैकेंसी भरी जाएगी। LAD बेंच असिस्टेंट टाइपिस्ट DEO की कॉपिस्ट एंड अदर जो वैकेंसी 2000 पद इसमें ये भरे जाएंगे आपके। और फिर क्लास SLC एनी डिग्री आपके पास है तो फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अभी आपके पास 9 दिन का टाइम है, आप इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें। और किसी भी नोटिफिकेशन का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। उसके बाद ARIS की वैकेंसी भरी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है और इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, आपने की हुई एग्रीकल्चर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो लास्ट डेट है वो हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत से लोग कमेंट करते हैं तो स्टेट है बिहार, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में ये वैकेंसी भरी जा रही है। एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया गया था ये 20/6/2019 को। और आयुर्वेदा की ये वैकेंसी भरी जाएंगी, इसमें नर्स की है। पैक्सन की वैकेंसी भरी जाएंगी और GNM BSc नर्सिंग बायोमास की वैकेंसी और BAMS की। लास्ट डेट इसके लिए 4 जुलाई 2019 अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आप इस पर गूगल पर सर्च करिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो बोर्ड है ये। उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार में ये वैकेंसी भरी जाएंगी। फाइनेंशियल अकाउंट्स की स्पेशलिस्ट के और इस प्रकार से मीडिया स्पेशलिस्ट एंड अदर जो वैकेंसी 234 ये भरी जाएंगी। डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में इसके आप ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है इसकी 30/6/2019 तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिन का टाइम आपके पास है अभी। RPCAU की नोटिफिकेशन है, स्किल्स फोर स्टाफ की नंबर ऑफ वैकेंसी 100 भरी जाएगी। प्लस टू पास होने चाहिए और लास्ट डेट जो इसकी 29/6/2019 की। सबसे जरूरी आपके लिए, चंडीगढ़ में जितनी भी वैकेंसी अभी भरी जा रही है उनकी सूचना आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जिला पंचायत पांडा गांव की ये वैकेंसी है, पोस्ट नेम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेज ऑफिसर की, प्रोग्राम ऑफिसर के, टेक्नीशियन की, टेक्निकल असिस्टेंट की, अकाउंट की वैकेंसी भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सेबल BE BTech और BCom आपने किया हुआ तो 8 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिला पंचायत कोरिया की ये वैकेंसी है और नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 24 और क्वालिफिकेशन प्लस टू पास BCom BE BTech आपने किया तो फिर आप अप्लाई इसके लिए
कर सकते हैं कब तक, 3 जुलाई 2019 तक। उस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 1 से 2 नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बता देंगे, बाकी पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आएगी, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। उसके बाद आ रहा है नगर हवेली की वैकेंसी भरी जाएगी, NHM की वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी वो आपकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। उस प्रकार DMHS सिलवासा की नोटिफिकेशन है, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्ट प्रोफेसर हेल्थ एजुकेटर एंड अदर की जो वैकेंसी भरी जाएंगी 32। तो मैट्रिक आप पास है, प्लस टू पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर मैनेजर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भरी जाएंगी, हालांकि आज इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दमन एंड दीव की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जो भी वैकेंसी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मोटी दमन की, डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन दमन की वैकेंसी भरी जाएंगी, और UT एडमिनिस्ट्रेशन दमन एंड दीव की वैकेंसी भरी जाएगी। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दिल्ली की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, दिल्ली पोस्टल सर्कल के 174 पद ये भरे जाएंगे, 10th पास होने चाहिए, 5 जुलाई 2019 से इसकी अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, और लास्ट डेट इसकी 12 जुलाई 2019 को। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये वैकेंसी भरी जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, टेक्निक लाइबोरेटरी अटेंडेंट की टेक्नीशियन की ये वैकेंसी भरी जाएंगे, और उसके बाद जो रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट हेल्पर की वैकेंसी ये भरी जाएंगी, और इसके लिए आप 5वीं पास है, 10वीं पास है, प्लस टू पास है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसके लिए आपके वॉक इन इंटरव्यू द्वारा चयन होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है, ILBS की वैकेंसी भरी जाएंगी, सीनियर रेजिडेंट नर्स प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव अदर जो वैकेंसी है 225 पद भरे जाएंगे, प्लस टू पास इसके लिए होने चाहिए आप, 30 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोवा की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, डायरेक्ट्रेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज गोवा की ये वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है, 10th पास हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी। वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपका इसमें साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। गोवा PSC की ये नोटिफिकेशन आई है, फिजिशियन एसोसिएट असिस्ट प्रोफेसर रेडियो ऑफिसर के एंड JR पैथोलॉजिस्ट की वैकेंसी भरे जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी PG पोस्ट ग्रेजुएट, आप तो अप्लाई कर सकते हैं 28/7/2019 तक। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट गोवा की नोटिफिकेशन, लोअर डिवीजन क्लर्क मल्टी टास्क स्टाफ PON की वैकेंसी भरी जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी 26, हायर सेकेंडरी आप होने चाहिए, और लास्ट डेट है इसकी आज से 5 दिन के बाद। महत्वपूर्ण आपके लिए, गुजरात में जितनी भी वैकेंसी भरी जा रही है उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। तो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर की वैकेंसी भरी जा रही है, नेम ऑफ द पोस्ट है, कौन करवा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। डिग्री आपके पास होना चाहिए, PG आपने किए हुए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जुलाई 2019 तक। सीनियर इंजीनियर एसोसिएट मैनेजर की वैकेंसी भरी जाएंगी, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, 1 जुलाई 2019 को। डिप्लोमा आपके पास है या डिग्री तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपने की हुई तो आप अप्लाई जरूर करें इसके लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी ये भरी जाएंगी, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई जरूर करें। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, लास्ट डेट है आपकी 6 जुलाई 2019 को। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कृष्ण कुमार सिंह जी भुवन नगर यूनिवर्सिटी ये वैकेंसी भरी जाएंगी, अप्रेंटिस 66 वैकेंसी है, 23 जून 2019 इसकी लास्ट डेट है। GS PSCL की सिविल इंजीनियर की वैकेंसी भरी जाएंगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल ये होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार फिर आपका इंटरव्यू द्वारा इसका चयन होगा, तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी भरी जाएगी, ठीक है। तो बहुत सी वैकेंसी जिनकी अभी जो लास्ट डेट है वो हो चुकी है, तो इस प्रकार से इन वैकेंसी के लिए फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनकी लास्ट डेट अभी है वो उनके लिए आप अप्लाई जरूर करें, आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है। और अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी अभी हरियाणा में भरी जा रही है, हरियाणा की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है।
HSSC की द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। क्लर्क के 4,858 पद भरे जाएंगे। इतने आपके स्टेट में, आप अगर हरियाणा से नहीं तो इतने गवर्नमेंट जॉब्स की ये नोटिफिकेशन, अब इतनी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नहीं भरी जा रही, ठीक है। क्लर्क के 4,858 पद भरे जाएंगे। प्लस टू पास ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके लिए 8 जुलाई 2019 को। इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएगा और वहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 13 रुपये फीस है लड़कियों के लिए जो रिजर्व से है, और जनरल की 25 रुपये जो बॉयज़ है, बाकी 100 रुपये और 70 रुपये आपको इस प्रकार से फीस देनी पड़ेगी। बाकी एडवर्टाइजमेंट आप हरियाणा से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चीफ एजुकेटर ऑफिसर की है जजहर की वैकेंसी भरी जाएंगी। टेक्निकल एक्सपर्ट मेंबर BDT 10 वैकेंसी भरी जाएंगी। डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 जुलाई को आपका ओपन इंटरव्यू द्वारा इसमें चयन होगा। उसके बाद DHF WS SR की वैकेंसी भरी जाएंगी। प्लस टू पास है और 27/6/2019 को आपका इसमें लास्ट डेट है इसके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी भरी जा रही है। 130 प्लस टू पास, लास्ट डेट आपके 3 जुलाई 2019 को। PN की वैकेंसी भरी जा रही है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की वैकेंसी भरी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से PN की वैकेंसी भरी जाएंगे 10, और इसके लिए आप 8वीं पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 8th पास, ठीक है। तो लास्ट डेट इसकी 5 जुलाई 2019 को। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भरी जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट के नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है, कोई एग्रीकल्चर में है, तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है। इसके बारे में हालांकि हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता चुके हैं। तो ये वैकेंसी भरी जा रही है 1624 पद हरियाणा में जूनियर इंजीनियर के। लास्ट डेट है इसकी 4/7/2019 को, और इसके लिए डिप्लोमा डिग्री सिविल इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग BSc एग्रीकल्चर में अपने किए हुए, तो इसी प्रकार की पोस्टें भरी जा रही इसमें। उसके बाद HSS SPP की वैकेंसी है। BRP 429 पद भरे जाएंगे। 10th पास आप होने चाहिए। लास्ट डेट इसकी 4/7/2019 को। इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी भरी जाएगी, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी HPSC की वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, हालांकि एलाइड की है और इसका मेन्स एग्ज़ाम 2017 का, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है इसकी 2/7/2019 को। उसके बाद ये पंचायत या ग्राम सचिव की वैकेंसी भरी जा रही 697। एनी ग्रेजुएट आप होने चाहिए और लास्ट डेट इसके 3 जुलाई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद HPSC की ये वैकेंसी भरी जा रही हरियाणा प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन की, और इस प्रकार की सिविल सर्विस की वैकेंसी भरी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 18। एनी ग्रेजुएट 8/7/2019 इसकी लास्ट डेट है। और पटवारी की पद भरे जा रहे 1100। एनी ग्रेजुएट और इसके लिए 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पटवारी की पोस्टें भरी जा रही इसमें, ठीक है। ये कैनल पटवारी है, और उसके बाद ये पटवारी के 588 पद, इसके लिए एनी ग्रेजुएट 28/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये चरकी डाटरी की वैकेंसी है, ठीक है। DHF WS की वैकेंसी है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स मैनेजर की पोस्ट ANM ENN इस प्रकार से भरी जाएंगी। लास्ट डेट 21/6/2019 आज तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही, जो भी आपको जानना है उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, पूरी जानकारी लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हिमाचल प्रदेश में अभी कौन सी वैकेंसी भरी जा रही वो हम आपको बता देते हैं। जून और जुलाई में जितने पद भरे जा रहे हिमाचल प्रदेश में उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ रही है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल जज की। नंबर ऑफ वैकेंसी 5, इसके लिए डिग्री लॉ में होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो 10/7/2019 इसकी लास्ट डेट है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये वैकेंसी भरी जा रही है सेक्रेटरी में। लॉ ऑफिसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की और JR ट्रांसलेटर की, क्लर्क की, चौकीदार की नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, ये भरी जा रही है। 8वीं पास 10th डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसके लिए 8/7/2019 तक अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट में वैकेंसी भरी जा रही है। कुक की ये पोस्ट होगी। 10वीं पास होने चाहिए और 6 साल 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 जून लास्ट डेट है।
डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जज मंडी की वैकेंसी भरी जा रही है, जिस प्रकार से भरी जाएंगी, टेंथ क्लास पास होने चाहिए और लास्ट डेट है आपकी 28/6/2019 को। GDS की पोस्टें भरी जा रही है, इसमें हिमाचल प्रदेश पोस्ट सर्कल में, और इसके लिए 10वीं पास आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जुलाई 2019, ये रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट इसकी 12 जुलाई 2019 को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी भरी जा रही है, रजिस्ट्रार फाइनेंस ऑफिसर की डेप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी भरी जाएंगी और लास्ट डेट इसकी 30/6/2019 को। जम्मू कश्मीर में अभी वैकेंसी भरी जा रही है आपकी, ये SKU EST की वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये आपका, और बिजनेस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड अदर जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 और प्लस टू पास इसके लिए हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, 27/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के बाद जो झारखंड है वो सबसे ज़्यादा अभी वैकेंसी भर रहा है, और अब सोचने वाली बात है कि क्यों भरी जा रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी कि इलेक्शन होने वाले हैं अभी। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड कमेटी वेस्ट सिंहभूम की वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है, ये पोस्ट नेम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और लास्ट डेट है 1 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। DRDA वेस्ट सिंहभूम की वैकेंसी भरी जाएंगी, अकाउंटेंट की कॉम कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भरी जाएंगी, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DC आपके पास है, 5/7/2019 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की ये पोस्टें भरी जाएंगी और ANM GNM आपने की है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है और 6/7/2019 इसकी लास्ट डेट है, तो 6 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, झारखंड में ये वैकेंसी भरी जा रही है आपकी होम एंड डिफेंस कॉर्प्स की, होमगार्ड की 894 पद भरे जा रहे हैं, 7वीं और 10वीं पास है तो आप इसके लिए 19/7/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी इस प्रकार से आपकी भरी जाएगी। और नेक्स्ट जो है पोस्टल सर्कल में हरियाणा हिमाचल और सॉरी दिल्ली झारखंड और हिमाचल में भी वैकेंसी भरी जा रही है पोस्टल सर्कल की, 10th पास, कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं होगा इसके लिए, आपका सीधे मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, लास्ट डेट है 12 जुलाई, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन जो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप 7 दिन तक ऑनलाइन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट रांची की वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी स्पेशलिस्ट की वैकेंसी भरी जाएंगी, 17 पद है, इसके लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी PG डिग्री आपके पास है तो 24/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम रहेगी मैनेजर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की वैकेंसी भरी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है और झारखंड के बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं, प्लस टू पास और इसकी लास्ट डेट है 24/6/2019 तक। उसके बाद ये GSC की स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल की पोस्टें भरी जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण 1012 पद भरे जा रहे हैं, इसके लिए प्लस टू पास है, 21/6/2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। XI कॉन्स्टेबल की 518 पद भरे जा रहे हैं और इसके लिए भी आज ही तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप ज़रूर करें। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद कर्नाटक में कौन सी वैकेंसी भरी जा रही है तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, तो BGM गैंगडम की ये पोस्टें भरी जाएगी, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की 110 पद है, 4th कक्षा पास, 9वीं कक्षा पास आप हो तो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 11 जुलाई लास्ट डेट है। KPCL की वैकेंसी भरी जाएंगी, वेलफेयर ऑफिसर की, एनवायरमेंट ऑफिसर के 6 पद है और इसके बाद कर्नाटक स्टेट पुलिस के 163 पद भरे जा रहे हैं, प्लस टू पास और लास्ट डेट 29/6/2019 के। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल मेल मैन की वैकेंसी भरी जाएगी, मेल की 159 पद हो गए और प्लस टू पास आप हो तो फिर आप 29/6/2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, चैनल से आप जुड़ेगा, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेगी, आपके स्टेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आती है, आप चाहे जिस भी स्टेट से अपने स्टेट के लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से कर्नाटक में अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भरी जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, KSP में आर्मी पुलिस फोर्स की 159 और पुलिस सब इंस्पेक्टर की ये सिविल मेल एंड फीमेल की वैकेंसी 12 भरी जाएगी। उसके बाद स्पेशल रिजर्व पुलिस कॉन्स्टेबल की पोस्टें भरी जाएंगी, 218
पोस्टें भरी जा रही है और लास्ट डेट है इसके लिए आपकी 24/6/2019, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के 154 पद भरे जाएंगे, चौथी कक्षा पास, 8वीं 9वीं जो भी आपके पास है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 2 जुलाई तक इसके लिए। नर्सिंग ऑफिसर की सेक्रेटरेट असिस्टेंट की 115 पद भरे जाएंगे और इसके लिए 29/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब जुलाई 2019 की जितनी वैकेंसी भरी जा रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही जानकारी। एमपी पीजीसीएल की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। ग्रेजुएट एंड टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्टें भरी जाएंगी। अप्रेंटिस मीन्स की आपकी ट्रेनिंग टाइप इसमें होगी और लास्ट डेट इसकी 26 जून 2019 भरे जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है और 12/7/2019 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जेएनकेबी की ये वैकेंसी भरी जा रही है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशल की वैकेंसी भरे जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसके लिए इंटरव्यू द्वारा आपका चयन होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में भी जितनी भी वैकेंसी भरी जा रही है उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। महाराष्ट्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वैकेंसी भरी जा रही है आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की 555 पद भरे जा रहे हैं एलाइड सर्विस के और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रेजुएट आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जुलाई तक। उसके बाद एनएचएम में महाराष्ट्र में वैकेंसी भरी जा रही है, 5716 पद भरे जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएट बीयू एमएस बीएससी आपने की हुई नर्सिंग तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2019 तक। उसके बाद एनएचएम में ही वैकेंसी भरी जा रही, नंबर ऑफ वैकेंसी 8 आपकी स्क्रीन पर। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को देख लीजिएगा क्या कौन सी वैकेंसी किस फील्ड में मांगी हुई है, तो ये वैकेंसी भरी जा रही। उसके बाद स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन जो ये चलाया हुआ है इसमें 384 पद भरे जाएंगे सिटी कोऑर्डिनेटर के और इसलिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीएससी बी आर्किटेक्चर बी प्लान की वैकेंसी क्वालिफिकेशन और इसके लिए जो लास्ट डेट है आपकी 17/7/2019 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में भी बहुत सी वैकेंसी इस टाइम भरी जा रही है, पूरी जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं अब तो एमएसपीडीसीएल की वैकेंसी भरी जा रही है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रिकल की, नंबर वैकेंसी 23 है और इसके लिए लास्ट डेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। लास्ट डेट मीन्स की 30 दिन का टाइम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 13 जुलाई 2019 तक। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मणिपुर की वैकेंसी भरी जाएंगी, इंस्पेक्टर एसआई ड्राइवर एंड अदर 129 पद भरे जा रहे हैं। 10th क्लास पास हो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, 28 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी में पोस्टें भरी जा रही है, स्टैटिकल ऑफिसर की, प्रोफेशनल असिस्टेंट की, फोटोग्राफर की एंड अदर की ये पद भरे जा रहे हैं। 74 पद हो गए और 12 पास इसके लिए आप हो तो फिर आप 27 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी में ही रजिस्ट्रार कंट्रोलर की ये पोस्टें भरी जा रही है, लाइब्रेरियन की पोस्टें भरी जा रही है, फाइनेंस ऑफिसर की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। ग्रेजुएट आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 29 जून 2019 तक। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है। मेघालय की बात कर लेते हैं तो हाईकोर्ट में ये वैकेंसी भरी जा रही है आपकी, बाइंडर कैजुअल टाइप की, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 से 8वीं पास हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 29/6/2019 को आपको ये इंटरव्यू हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मिजोरम की बात करें तो सेम इसी प्रकार से डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर की वैकेंसी भरी जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। 8th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 25/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से पीएससी में ये वेटनरी ऑफिसर के 5 पदों के लिए भर्ती चली हुई है। मिजोरम गवर्नमेंट जॉब 2019 की वैकेंसी जुलाई 2019 को ये वैकेंसी भरी जा रही है। अब जो महत्वपूर्ण है उड़ीसा में जो पद अभी भरे जा रहे हैं, जिला स्वास्थ्य समिति कैंसर की वैकेंसी है और पूरी स्क्रीन पर आपकी पोस्ट नेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5/7/2019 इसकी लास्ट तारीख है। ओएमसी लिमिटेड की वैकेंसी भरी जा रही है, नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जन्म नेजर वगैरह आप देख लीजिएगा इनको, और MBICA की आपके पास डिग्री है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 29/6/2019 तक। सेम रिक्रूटमेंट बोर्ड है और सेम पोस्ट रहेगी, इसके लिए आप देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। ओएससी की ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये वैकेंसी भरी जाएगी,
ऑडिटर की वैकेंसी 82 पद जो पोस्टें भरे जा रही है। 11 जुलाई 2019 इसकी लास्ट डेट है और बैचलर डिग्री ऑफ एनी डिसप्लिन में बीकॉम बीए बीबीए बीसीए जो भी आपने किया है आप इसके लिए ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी के लिए ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाएगा, पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मयूरबन की पोस्टें भरी जाएगी और इसके लिए जो पोस्ट नंबर वैकेंसी वो 15 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, 15 वैकेंसी भरी जाएंगी। डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 24/6/2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओडिशा ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन है, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 63 पदों पर भर्ती हो रही है आपकी। डिग्री हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में आपने की है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 जून तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। लास्ट में पंजाब की बात कर रहे हैं अपनी, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की चौकीदार कॉम स्पाई सेवक चौकीदार सेवादार स्पाई स्वाक एंड ऑफिसर की वैकेंसी भरी जा रही है। नंबर वैकेंसी 5 है, क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं प्लस टू पास होने चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए और लास्ट डेट है इसके 10 जुलाई 2019 को। GNDU में वैकेंसी भरी जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एकेडमिक काउंसलेंट की OST सिस्टम मैनेजर की 11 पद भरे जा रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है और इसके लिए प्लस टू पास डिग्री डिप्लोमा आपके पास है। गूगल पर आप सिर्फ GNDU पंजाब कर दीजिएगा, आपको पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 24/6/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट पंजाब की पोस्टें भरी जा रही है, क्लर्क लाइनमैन की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, असिस्टेंट लाइनमैन की एंड अदर वैकेंसी भरी जा रही है, 350 पद भरे जा रहे हैं और इसके लिए ITI डिग्री और एनी ग्रेजुएट आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 20/6/2019 आज लास्ट दिन है इसका। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर अमृतसर की पोस्टें भरी जाएंगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केस वर्कर लॉयर एंड काउंसलर की पोस्टें भरी जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है और डिग्री आपके पास होनी चाहिए लॉ में, ठीक है, इस प्रकार से, और लास्ट डेट है इसकी 3/7/2019 को, तो इस प्रकार से ये पद भरे जाएंगे। तमिलनाडु के बारे में जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्टें भरी जा रही, नंबर ऑफ वैकेंसी 64, डिग्री आपके पास होनी चाहिए MSc में या फोरेंसिक साइंस में और लास्ट डेट है इसकी 20/7/2019। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पोस्टें भरी जा रही है और इसके लिए आपके नंबर ऑफ वैकेंसी जो 48 है ये भरी जा रही है। 8वीं पास से अगर आप तो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं 25 जून तक। उसके बाद तमिलनाडु प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वैकेंसी भरी जा रही है ग्रुप 4 की, 6491 पद और इसके लिए आप 8वीं 10वीं पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 14 जुलाई 2019 तक, ठीक है, तो ये आप इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये पोस्टें भरी जाएंगी कंप्यूटर ऑपरेटर और इसके साथ बहुत सी पोस्टें भरी जा रही है इसमें, तो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है 80, तो ये 80 पद भरे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं पास इसके लिए आप होने चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 25/6/2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये वैकेंसी अभी तमिलनाडु में भरी जा रही है। अब जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भरी जा रही है उनको हम बता देते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्टें भरी जा रही है 45 पद भरे जा रहे हैं, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और लास्ट डेट है इसकी 6 जुलाई 2019 को। रिक्रूटमेंट बोर्ड का नाम आप गूगल पर भरिए, यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जॉब या रिक्रूटमेंट, पहले ही नंबर पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। KGMO की नोटिफिकेशन है, साइंटिस्ट बी रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्टें भरी जाएंगी और इसके लिए लास्ट डेट जो 23/6/2019 है। BHU की पोस्टें ये भरी जाएंगी, नंबर ऑफ पोस्टें जो वैकेंसी 11 है, प्लस टू पास इसके लिए आप होने चाहिए और डिप्लोमा 21 दिन का आपके पास टाइम होगा इसका, ठीक है। तो इस पर ITI की 12 पोस्टें भरी जाएंगी यानी ग्रेजुएट, लास्ट जो डेट है इसकी वो आपकी रहेगी 21 तक, तो आज लास्ट दिन है इसके लिए, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। उस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की अलीगढ़ की पोस्टें भरी जाएंगी, चौकीदार फुल टाइम टीचर पार्ट टाइम टीचर PN कुक की पोस्टें भरी जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 34 है।
10 जुलाई 2019 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये पोस्टें भरी जाएंगी और लास्ट डेट है इसकी, जिस दिन से अप्लाई किया था आपने उससे लास्ट डेट जो 21 दिन का आपको टाइम दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये वैकेंसी भरी जा रही है। अब बेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। बेस्ट बंगाल 2019 जून जुलाई गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ट बंगाल, ये वैकेंसी भरी जा रही। बेस्ट बंगाल पुलिस में 17 पद के स्पाई के ये पद भरे जा रहे हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पोर्ट पर्सनल के DEO के पोस्टें भरी जाएंगी इसमें। और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 17 है। BCA MBA और BTech PGD MSc आपने की है तो फिर आप 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। 28 पद है और इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। BCKB की वैकेंसी भरी जाएंगी 6 और इसके लिए डिग्री आपके पास तो फिर आप 27 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की ये पोस्टें भरी जाएंगी और स्टेनोग्राफर जैसे इस प्रकार से ये पोस्टें भरी जाएंगी 8वीं 10वीं पास और 8 जुलाई 2019 की लास्ट डेट है। बाकी आपकी स्क्रीन पर इनको आप नोट करिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी बेस्ट बंगाल में भरी जा रही है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन सी वैकेंसी है, कब लास्ट डेट आपकी स्क्रीन पर ये आ रही है। ये नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये पोस्ट नेम है, ये क्वालिफिकेशन का कॉलम है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है और ये जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया गया था वो डेट आपकी स्क्रीन पर। तो मेडिकल और हॉस्पिटल में भी जितनी वैकेंसी भरी जा रही है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं GNM और हॉस्पिटल से रिलेटेड, जैसे स्टाफ नर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्लैरिकल में, तो उनके लिए वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये PGIM यार की ये वैकेंसी भरी जाएंगी आपकी, ठीक है। सीनियर रेजिडेंट की 29 पद है, MBBS और विद PG डिग्री, इसके लिए 5 जुलाई 2019 को वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से ये वैकेंसी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सर्च करना है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है इनका नाम आप गूगल पर सर्च करिएगा, रिक्रूटमेंट आप कर दीजिएगा, उसके आगे आपको पहले ही नंबर पर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सी वैकेंसी है इसमें जो भरी जा रही है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको नोट कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट में अभी या सेंटर में कौन सी स्टेट मेडिकल बोर्ड में वैकेंसी भरी जा रही है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो इसके लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपको बता रहे इसलिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको नहीं बता सकते, बहुत सी नोटिफिकेशन अगर एक एक करके आपको बताने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, परंतु अगर आप जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हर स्टेट की आपको दे दें। तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही, जैसे पंजाब मेडिकल बोर्ड में ये वैकेंसी भरी जा रही है और इस प्रकार से भोपाल की है, निहार की है, नरहार की वैकेंसी भरी जाएंगी और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में वैकेंसी भरी जाएंगी, जैसे ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इनको आप नोट कर लीजिएगा और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो आप अप्लाई जरूर करें। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जा रही है। आज के लिए इतने, नमस्कार। ऑल इंडिया पर अभी जितने भी स्टेट में जितनी भी वैकेंसी भरी जा रही है उनकी जानकारी हम आपको शॉर्ट में हालांकि बता चुके हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी नोटिफिकेशन का आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना जरूर, आपको कमेंट में हम पूरे आप जो उसका लिंक है ऑफिशियल वो हम आपको बता देंगे। और एक बार और, ये जो लास्ट डेट होती है, जैसे आज इसकी लास्ट डेट है ये पंजाब मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की, तो लास्ट डेट आप जरूर चेक करें, उसके बाद आप हमें बताइए कि अगर आपको इसके बाद अभी इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी है तो फिर आप कमेंट करना, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऑल इंडिया की अपडेट्स हम आपको स्पष्ट तरीके से दे रहे हैं, शॉर्ट में दी परंतु आपको पूरी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आज के लिए इतने, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।